सुबह सवेरे लेकर नाम प्रभु हमको करना है शुभ काम प्रभु। दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है और नई सुबह नया दिन नई एनर्जी के साथ में हम निकल रहे हैं लखनऊ की तरफ। और लखनऊ ले जाने के लिए अभी हम इस बार अपने लड़के को ले जा रहे हैं कि इनको भी ले चलते हैं, कुछ जिम्मेदारी और कुछ काम सीखें। तो कल एक लेबर लेके गए थे यादव जी को और उन्होंने काफ़ी काम करवा दिया, रहने वहने की व्यवस्था करा दी। तो आज भी हम इसी से चलेंगे, ये क्लासिक से चलेंगे। और आशुतोष जो है उधर भाग गए, देखो इधर मम्मी के पास भाग गए, आज इनको ले चलना है। ये जाने समझे कि कितना घर बनाना और मतलब वो सारा कितना जिम्मेदारी का काम होता, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। ये सब बच्चे जब साथ में रहेंगे तभी सीखेंगे, अदरवाइज़ क्या है बच्चे जो है इसका मतलब मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। बाकी तो और भी सारा काम है, ऑर्डर देना है, बोरवेल का बात करना है, सारा मटेरियल का बात करना है, कुछ पेमेंट भी करना है। तो वो सारा काम आज निपटाते हुए शाम को वापस आ जाएंगे। फिर जैसा होगा, जिस दिन माल गिरेगा उससे एक दिन पहले पहुँच के हमें वहाँ रहना भी होगा। चलते हैं, बाय बाय। चलो भैया निकलो, लो भैया घर से निकल चुके हैं और दो लोग रहने से क्या है कि काम भी थोड़ा निपटेगा। और अगर बस से जाएं तो 300 रुपये जाने जाने में लगेगा, दो लोगों में 300 जाना 300 आना 600 रुपये हो गया। और बाइक से जा रहे हैं तो मैक्सिमम 400 रुपये में काम हो जाएगा, दो लोग जाने में तो बचत ही अपना है। कल का पेट्रोल देख रहे हैं पूरा लगभग ख़त्म हो गया है। कल हमने 250 का डाला था, 150 पहले का डाला था, 300-400 रुपये का पेट्रोल था, आज तो ख़त्म है। 450-450 किलोमीटर है आज, देखते हैं किलोमीटर नोट करके देखते हैं कितनी गाड़ी चलती है। ये बड़ा रिस्की है भाई, हाईवे जो है ना, अभी हाईवे पे आ गए। ये है केजीएन हार्डवेयर भाई, ले लेते हैं यहीं से पेंट उंट, छोटा सा एक वो भी दे दो तारपिन तेल। तो भाई अपना एक ये प्राइमर हो गया, सुपर क्या रौनक, सुपर सिंथेटिक एनेमल, ₹83। और एशियन ओशियन में नहीं है क्या है? नहीं, एशियन ओशियन में नहीं रखते हैं क्या पेंट? हैं 140 30 170। दिक्कत तो क्या होता है, मुझे लगता है कि प्रॉफिट का सारा चक्कर है, मार्जिन का, प्रॉफिट का मार्जिन इसमें ज़्यादा है उसमें कम रहता होगा, बस अंतर इतना ही। तो ये आ गया ITC का पेट्रोल पंप चौपाल सागर। भैया 220 का डाल दो, 220 2.25 लीटर। अगर 40 का एवरेज देती है तो 80 किलोमीटर चलेगा और हमको जाना है 60 किलोमीटर। दोस्तों चले थे हम अमेठी ज़िले से और अभी आ गए बाराबंकी ज़िले में और ये है हैदरगढ़। आजकल नवरात्र का महीना चल रहा है, आपको हर जगह जगह पे आपको दुर्गा जी की मूर्ति दिखाई देगी। BHL से रोड नंबर 1 से 25 किलोमीटर है ये और यहाँ से करीब है 30 किलोमीटर और होगा जहाँ हमें जाना है, गोसाईगंज 30 से 35 किलोमीटर और बचता है यहाँ से। अभी काफ़ी दूर आ गए हम लोग, आगे शायद आएगा गंगागंज या भिलवल, शायद भिलवल ही आएगा, उसके बाद गंगागंज। आई लव अमेठी, ये है भाई अमेठी लखनऊ वाला। भैया ये है कॉलोनी, देखिए इसने तो दो मंजिला बना दिया, पता नहीं गाड़ी तो नहीं है चढ़ेगी, इतना ऊंचा कर दिया है भाई साहब। चलो भैया पहुंच गए हम,
ये तो किसी और का है, अभी तो हमारा बनना शुरू होगा इस एरिया में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अपने ये जो शेड बनाया था टेम्प्रोरी, और जो तख्ता है आंसू पेंट कर रहा है। क्यों आंसू? हाँ। थक तो नहीं गए आते आते बाइक पे? है लगी नहीं थकान? तब काहे वो कुछ पुकुस कर रहे थे। तो भाई ये है, हमें लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कोई उठा ना ले जाए। लेकिन नहीं नहीं है, सब साफ, मतलब सेफ है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मतलब माल पानी सब जो है सामान ऐसे बाहर ही पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ठीक है, एक आदमी रहेगा, सही है। तो अभी तख्ते को हम जो है पहले प्राइमर लगवा रहे हैं, आंसू पहले प्राइमर लगा रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें पेंट, ब्लू कलर का पेंट लग जाएगा। उससे क्या है थोड़ा साफ सूफ करने में, और इसकी मतलब कीड़े उड़े नहीं लगेंगे, वो चीज़ थोड़ा बढ़िया हो जाएगी। तो अभी जितना पेंट है ऊपर ऊपर लगा दे रहे हैं, नीचे वाला बच जाएगा तो बाद में करेंगे, क्योंकि पेंट 200 ही हमें लेके आए हैं, आधा लीटर नहीं लेके आए हैं। जब ठंडी होगी तो मुझे लग रहा है तख्त तो तख्त निकाल के बाहर ही रखना पड़ेगा दिन के लिए। तो ये पेंट करते हैं, मैं चलता हूँ, थोड़ा बहुत काम बाहर का निपटा के आता हूँ फिर। तो अभी देखिए प्राइमर कम हो गया, केवल ऊपर ऊपर वाला ही हिस्सा हो पाया। मुझे लग रहा है कि पूरा प्राइमर करने के लिए कम से कम आधा लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी नीचे पूरा रह गया, पूरे इसके अंदर अंदर सब रह गया भाई, कुछ नहीं हो पाया पैर और इसके, बस खाली ऊपर ऊपर वाला हिस्सा हो पा रहा बस इस 200 ml में। आधा आधा लीटर होता तो पूरा हो जाता। क्यों आंसू? चलो इसको लगाना शुरू करो। हेलो दोस्तों, देखिए कैसा लग रहा है ये वाला पेंट जो है। अभी प्राइमर के बाद हम लोग तुरंत जो है पेंट मार दे रहे हैं ना, थोड़ा ये वाला पेंट लगने के बाद सही हो जाएगा, लेकिन पेंट कम पड़ेगा ये भी। तो ये देखो भैया, तख्ता हमारा ऊपर का जो है हिस्सा पेंट हो गया, नीचे सारा का सारा अधूरा रह गया, मतलब आधे लीटर चाहिए था पूरा। चलिए काम भर के काम हो गया भाई। ये अपना जो है आसियाना टेम्प्रोरी ये बन गया भाई। इधर ये जो खजूर खड़ा है ना, खजूर वाला प्लाट जो है जितेंद्र कुमार पांडे का है, खजूर वाला शायद यहाँ से लेके यहाँ तक है। थोड़ा सा मारा तो है इन्होंने बाउंड्री वाउंड्री, यहाँ तक का जो है पूरा एकदम मिट्टी ही बह गया साला। देख रहा, कोई बाउंड्री वाउंड्री किया था, सब बह गया पूरा अंदर, उसमें चला गया। ये पाप की बार बारिश में बहा है ना, नीचे से दीवार नहीं डालेंगे तो और अब की बार तो और बह जाएगा पूरा। हाँ, अगर उधर दीवार नहीं मारेंगे नीचे से ना, तो बहेगा पूरा, बहेगा जैसे उधर भी बहा इधर भी बहा। तो भाई यहाँ भी सब ऐसे ले ले के छोड़े हैं, बनवा कोई नहीं रहा है घर, बस खाली खरीद खरीद छोड़ दिए हैं सब। क्यों चाचा, कौन है गांव में घर? अच्छा अच्छा, सब खरीद के छोड़ रहा है, सोच रहे हैं कि कभी महंगा होगा तो बेचेंगे। जिसके पास पैसा है वो सबको खरीद खरीद के छोड़ देता है। आज देखिए गाय भैंस चल रही है इसमें। एक्चुअल में अभी जो है जब तक वो पिलर हटेगा नहीं, चार पिलर हमारी तरफ से 2 फीट शिफ्ट नहीं होगा हमारे वहाँ साइड पे, तो हम काम शुरू नहीं करा पाएंगे। लेकिन यह है कि हमें उसकी तैयारी करनी है मकान बनाने की, तो कम से कम गिट्टी मोरंग जो भी है सारा सामान वगैरह, गिट्टी मोरंग दो चीज़ तो कम से कम गिरवा दें, और वहाँ पे बोरिंग वाला काम जो है शुरू करा दें, जिससे ये रहेगा कि भाई हाँ कस्टमर जब प्रेशर डालेगा तभी ये लोग करेंगे। अदरवाइज देख रहे इन लोगों का काम बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। फ्राइडे सैटरडे संडे को पकड़ में आया था ये मामला, संडे को नप गया था, और आज हो गया आपका शनिवार। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता में तो अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है।
उसको शिफ्टिंग का काम नहीं किया है। देखते हैं कब करते हैं ये लोग। अभी यूटीसी के पेट्रोल से जो सागर चौपाल से भरवाया था 220 रुपए का भरवाया था। एग्जैक्ट जो है 90 किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी। अभी सेम अमाउंट 220 का मैंने यहाँ डला दिया, किलोमीटर नोट कर लिया हूँ, देखता हूँ कितना चलती है। आंसू लस्सी पिएगा। लस्सी कैसी लगी? आप कह रहे हैं बढ़िया। आप तुम रबड़ी रबड़ी खा रहे हो? अभी दोपहर में भी चौरसिया ट्रेडर क्या है, इनको रबड़ी मिली थी खाने को, अभी फिर लस्सी और रबड़ी मिल गई है। बढ़िया मजा ले रहे हो तुम है। आंसू ने लस्सी पी है। शाम की रौनक देखो भाई। यार फाइनल डेस्टिनेशन में एक मतलब जो एक पार्ट है उसमें दिखाया गया जो ये ट्रक नहीं जा रहा है डामर वाला, उसमें ये डामर जो है कुछ लोगों के ऊपर गिर जाता है इसमें से निकल करके ना। यार आदमी तो एकदम ऐसे मतलब ख़त्म ही हो जाता है। ये डामर गर्म ही रहता है ना, ये बड़ा डेंजरस है यार ये डामर इसमें। और किसी पे सरिया और वो क्या लदा रहता है तो आदमी एकदम खचाक से ऐसे कट जाता है ऐसा उसमें दिखाता है। फाइनल डेस्टिनेशन बड़ी ख़तरनाक मूवी है, उसके मतलब ऐसे कई पार्ट हैं, मैंने शायद सारी पार्ट देखी है या कुछ ही देखी है, ऐसा याद नहीं आ रहा मेरे को। ये देखिए कमरौली आ गए भैया। आज समय से घर पहुँचे उजाले उजाले में, धूप धूप में, ठंडा कम लग रहा है। वैसे मैं अपनी जैकेट भी घर ही भूल गया था। हैदरगढ़ के बाद भाई गजब की स्पीड, मतलब 80 से नीचे स्पीड नहीं आई है। बहुत सही समय पे पहुंच गया। सुबह सवेरे लेकर नाम प्रभु हमको करना है शुभ काम प्रभु। हरियाली और रास्ता। खेत में क्या हाल है, सब सूख जा रहा धूप पड़ते ही। उधर भी खाद उत पड़ गई गोबर की सारी। इधर भी दो क्यारी में सब्जी लगानी है। अभी पहुंच गए आज हम जल्दी। हाँ तो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।